गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. इन अ प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. और हमने डिस्कस किया था इक्वल वेक्टर्स के बारे में, नेगेटिव वेक्टर्स के बारे में, और हम स्टडी कर रहे थे पोजीशन वेक्टर, इजंट. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट अ पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय पोजीशन वेक्टर? एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जैसा नाम इंडिकेट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होगा? पोजीशन वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर होता है जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की या बॉडी की पोजीशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड और रेफरेंस, है ना, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. जैसे मान लीजिए हमारे पास ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या वाई एक्सिस है, और आप जानते हैं ये आपका क्या हो गया? जेड एक्सिस हो गया, है ना. तीन एक्सिस हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया. तो ये आपका ओरिजिन है, जीरो जीरो जीरो. एक्स भी कितना होगा? जीरो होगा. वाई भी कितना होगा? जीरो होगा. जेड भी कितना होगा? जीरो होगा. तो मान लीजिए हमें एक पॉइंट गिवन है, दिस इज पॉइंट पी, है ना. तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर में क्या देगा? ये हमें वेक्टर पी का पोजीशन देगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. तो इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना. दिस इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. ये बेसिकली क्या है? पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, राइट. अच्छा, मान लीजिए कोऑर्डिनेट कितना मान लिया हमने? इसका कोऑर्डिनेट मान लिया थ्री फोर. थ्री फोर मतलब ये क्या होगा? आपका एक्स होगा और ये आपका क्या होगा? वाई हो गया. अब मान लीजिए मैं ओरिजिन पे हूँ और मुझे ओरिजिन से पॉइंट पी पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ओरिजिन से पॉइंट पी पे जाना है तो मुझे एक्स क्या लूँ कितना चलना पड़ेगा? तीन, है ना. मुझे एक्स क्या लूँगा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? थ्री. और वाई क्या लूँ कवर करना पड़ेगा? फोर, है ना. ये कितना होगा? थ्री होगा. ये कितना होगा? फोर होगा. तो थ्री किसके लूँगे? थ्री आपका एक्स कर होंगे. तो थ्री आपका एक्स कर होंगे तो उसको क्या लिखेंगे? थ्री आई कैप. थ्री आई कैप का क्या हुआ? थ्री वैल्यू है एक्स के लोग. फिर क्या है? फोर में चलना पड़ेगा वाई के लोग, तो कितना आएगा? प्लस में कितना होगा? फोर जी कैप. तो ये कितना होगा? फोर जी कैप हो गया. फोर जी कैप का क्या हुआ कि फोर है किसके लोग? वाई के लोग. तो अगर मुझे ओरिजिन से पॉइंट पी पे जाना है तो मुझे थ्री चलना पड़ेगा एक्स के लोग और फोर चलना पड़ेगा वाई के लोग. तो ये आ गया थ्री आई कैप प्लस फोर जी कैप. दिस इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर आर, है ना. इसको हमने क्या नाम दिया? वैक्टर आर नाम दिया. तो ये जो वैक्टर आर है वो क्या है? पोजिशन वैक्टर है. किसका है? पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट. तो ये वैक्टर में क्या बताएगा? ये वैक्टर में क्या देगा? पोजिशन देगा. किसका? पॉइंट पी का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पोजिशन वैक्टर, इजंट. अच्छा बताइए, ये आपका तीन है और ये आपका कितना है? चार है. तो ये कितना होगा? पाँच होगा, है ना. बिकॉज ये एक्स कर होंगे और ये आपको वाई कर होंगे. पाइथागोरस हम यूज़ करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? पाँच आएगा. कितना आएगा? पाँच आएगा, इजंट. पाँच एक्चुअल में क्या है? पाँच तो आपका मैग्नीट्यूड है, है ना. तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? पाँच है, इजंट. तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? यदि मान लीजिए हमें वैक्टर आर कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब वैक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे? यहाँ कितना आएगा? रूट आएगा. बेसिकली कितना आएगा? देखिए ये क्या है? ये है थ्री है तुम्हारा आई का कोफिशियंट. आई बोले तो एक्स के अलोंग कोफिशियंट, है ना. तो एक्स के अलोंग कोफिशियंट कितना आएगा? थ्री आएगा. तो ये कितना हो गया? थ्री स्क्वायर हो गया, है ना. और वाई के अलोंग कोफिशियंट कितना हो गया? वाई के अलोंग कोफिशियंट फोर है, तो कितना होगा? फोर का स्क्वायर हो गया. इसको सोल्व करेंगे तो भी कितना आएगा? पाँच आएगा, है ना. तो ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं. पहले हम रूट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? एक्स के अलोंग जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस वाई के अलोंग जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर प्लस में जेड के अलोंग जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर. ऐसे हम क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं. क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड, इजंट. चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं. तो ध्यान रखिएगा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? रूट करेंगे, फिर जो एक्स का कोफिशियंट है मतलब एक्स के अलोंग जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में वाई के अलोंग जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में जेड के अलोंग जो कोफिशियंट है उसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे. इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर. अच्छा मान लीजिए हमें एक पॉइंट गिवन है टू थ्री फोर. कितना गिवन है? टू थ्री फोर. तो ये आपका क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा. ये आपका क्या होगा? वाई एक्सिस होगा. ये आपका क्या होगा? जेड एक्सिस होगा. तो ये क्या ओरिजिन है? ओरिजिन कितना होता है? जीरो जीरो जीरो. हाँ जी, बताइए अगर मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट पर जाना है, पहली बात तो ये बताइए प्लेन कहाँ पर है? ये प्लेन आपके थ्री डी में है ना. देखिए एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है. तो ये जो पॉइंट है बेसिकली कहाँ पर है? ये पॉइंट आपका स्पेस में है, थ्री डी में है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट तक पहुँचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं दो डिस्टेंस कवर करूँगा, एक्स के लूँ, है ना. तीन डिस्टेंस कवर करूँगा, वाई के लूँ. तो वाई के अलोंग मुझे कितना चलना पड़ेगा? तीन. और एक्स के लूँ कितना चलना पड़ेगा?
टू, एक्स के लोग कितना हो गया टू हो गया, वाई के लोग कितना हो गया थ्री हो गया, और जेड के लोग कितना आएगा फोर आएगा, तो जेड क्या होगा बाहर होगा ऐसे है ना, तो जेड जो होगा इमेजिन कीजिए जेड आपका क्या आएगा बाहर आएगा, तो यहाँ पर कहीं बेसिकली ये कितना होगा आपका फोर होगा, तो ये जो पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ लाई करेगा यहाँ पर लाई करेगा है ना, यहाँ पर कितना होगा टू होगा, यहाँ पर कितना होगा थ्री होगा, और यहाँ पर कितना होगा फोर होगा, तो ये जो पॉइंट पी है वो यहाँ पर है इज़न्ट। अब ओरिजिन से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये क्या है, ये कहलाएगा पोजिशन वैक्टर ऑफ दिस पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है दो तीन चार, अगर मुझे ओरिजिन से यहाँ पहुँचना है तो एक्स के लोग कवर करना पड़ेगा तीन, वाई के लोग कितना सॉरी एक्स के लोग टू, वाई के लोग कितना थ्री, और जेड के लोग कितना होगा फोर होगा, तो पॉइंट बेसिकली यहाँ पर है। तो अगर मैं ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाऊंगा तो ये क्या होगा पोजिशन वैक्टर होगा किसका, इस पॉइंट का है ना। अच्छा ये तो पोजिशन वेक्टर है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है राइट। आई होप आपको क्लियर होगा हमें क्या करना है, इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है इज़न्ट। अच्छा ये कितना है टू है, ये कितना है थ्री है, तो बताइए कितना होगा, बताइए बताइए कितना होगा, अगर ये आपका टू है ये आपका थ्री है तो कितना आएगा रूट ऑफ थ्री का स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ टू का स्क्वेयर है ना, ऐसा आएगा रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा टू स्क्वेयर, तो कितना हो गया या अगर रूट थर्टीन, दिस कम्स आउट टू रूट थर्टीन है ना, या अगर रूट थर्टीन हो गया। अब देखिए इमेजिंग कीजिएगा, ये आपका टू है और ये आपका थ्री है एंगल 90 था, तो कितना होगा रूट ऑफ थ्री स्क्वेयर प्लस में कितना होगा टू स्क्वेयर हो गया, तो कितना होगा रूट थर्टीन हो गया। अब ये पॉइंट तो बेसिकली यहाँ पर है और ये डिस्टेंस कितना है चार है, कितना है चार इज़न्ट। अब देखिए ये ट्रायंगल देखिए, दिस वे दे ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे है ना, बताइए चार में और रूट थर्टी में एंगल कितना है, जो आपका रूट थर्टीन है और जो आपका फोर है उसमें एंगल कितना है, ऐसे देखिएगा ये आपका कितना है फोर है और ये आपका रूट थर्टीन है, तो बताइए फोर में और रूट थर्टी में एंगल कितना हुआ, फोर में और रूट थर्टी में एंगल कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा, क्या आएगा 90 डिग्री। तो अगर मुझे ये पोजीशन वेक्टर निकालना है, ये पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका रूट थर्टीन का स्क्वेयर प्लस में क्या आएगा फोर का स्क्वेयर है ना। तो मैं कहने करता है इस पॉइंट का जो मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है वो कैसे निकलेगा, ये आएगा रूट ऑफ कितना आएगा, ये आएगा रूट थर्टीन का क्या होगा स्क्वेयर हो गया, रूट थर्टीन का क्या होगा स्क्वेयर हो गया प्लस में कितना हो गया, प्लस में आपका कितना होगा फोर का स्क्वेयर हो गया, ये सब कैसा आएगा, तो ये कितना होगा रूट ट्वेंटी नाइन, कितना हो गया रूट ट्वेंटी नाइन है ना। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है मतलब ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ट्वेंटी नाइन, क्या होगा रूट ट्वेंटी नाइन ये सब, ऐसा हम उसको निकालेंगे या सीधा निकाल लो। देखो ये हमें चलना पड़ा एक्स कैलोम कितना चले दो, तो कितना आएगा टू वाई कैप आएगा, वाई कैलोम कितना चले थ्री, तो कितना आएगा प्लस में कितना आएगा थ्री जे कैप आएगा, और जेड कैलोम कितना चले फोर, तो कितना आएगा फोर की कैप आएगा। तो जो पॉइंट हमने चूज किया उसका ये पोजीशन वेक्टर है कितना है टू वाई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस में कितना होगा फोर की कैप हो गया इज़न्ट। अब हमें इसका क्या निकालना है मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, पहले हम रूट करेंगे। हाँ जी बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या है टू, टू का स्क्वायर कितना आएगा फोर आएगा, बताइए वाई का कोफिशिएंट क्या है थ्री, तो थ्री का स्क्वायर कितना आएगा नाइन आएगा, बताइए जेड का कोफिशिएंट कितना है फोर, फोर का स्क्वायर कितना आएगा सिक्सटीन आएगा, तो आंसर कितना आएगा रूट ट्वेंटी नाइन। तो आई होप अब आपको किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आ गया होगा, कैसे करते हैं पहले हम रूट लगाएंगे, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में, फिर क्या करेंगे वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में, फिर जो जेड का कोफिशिएंट है उसका हम स्क्वायर करेंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर। ऐसे हम क्या करेंगे एक गिवन वेक्टर का क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इसको देखिए इमेजिंग कीजिएगा बिकॉज ये 3D में है ना, दो यहाँ पर तीन यहाँ पर और चार यहाँ पर ऐसे, तो मैंने ओरिजिन को इस समय लाया तो ये इसका क्या कहलाएगा पोजीशन वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट ट्वेंटी नाइन, कैसा होगा रूट ट्वेंटी नाइन इज़न्ट। तो ध्यान रखिएगा किसी भी वेक्टर का यदि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं रूट, फिर क्या करेंगे जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस में वाई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस में जो जेड का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पोजीशन वेक्टर इज़न्ट। तो जैसा मैंने कहा वो बताया था यूनिट वेक्टर है ना, बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या करता है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा है ना, हम सब जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या करता है वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नीट्यूड कितना होता है वन होता है, और मैंने कहा था कल प्रूव करेंगे, तो आज प्रूव करते हैं।
कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है वाले होता है। जैसे मान लीजिए मुझे वेक्टर ये वाले वेक्टर आर का वैल्यू कितना हो गया, टू आई कैप हो गया प्लस थ्री जी कैप हो गया प्लस फोर जी कैप हो गया, है ना। ये वेक्टर का क्या सॉरी ये वेक्टर आर हो गया कितना होगा, टू आई कैप प्लस थ्री जी कैप प्लस में कितना होगा फोर जी कैप, बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। अरे अभी तो निकाला, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो गया रूट 29, अभी हमने इसको सॉल्व किया था। बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर कैप, आर कैप कितना होता है वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ऐसा ही होता है। वेक्टर को हम क्या करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर निकल आएगा। तो कितना आ गया, ये आपका आएगा टू आई कैप हो गया प्लस में कितना होगा थ्री जी कैप हो गया प्लस में कितना होगा फोर जी कैप हो गया और नीचे कितना आएगा आपको रूट 29 आएगा, इजंट। तो आर कैप कितना आ गया, आर कैप आपका आएगा टू अपॉन रूट 29 आई कैप, है ना, प्लस में कितना आएगा थ्री अपॉन रूट 29 जी कैप प्लस में कितना आएगा फोर अपॉन में रूट 29 के कैप, है ना। ये क्या निकल आया, दिस इज द यूनिट वेक्टर। और हमें क्या निकालना है, हमें तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले हम रूट करेंगे, फिर जो एक्स का कोफिशिएंट उसको स्क्वेयर करेंगे, फिर वाई का जो कोफिशिएंट है उसको स्क्वेयर करेंगे, फिर जो जेड का कोफिशिएंट है उसको हम क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे। क्या आएगा आर का, क्या निकालना, मॉडुलस निकालना है, कितना आएगा रूट, ये रूट आ गया। हाँ जी बताइए एक्स का कोफिशिएंट कितना है, टू बाई रूट 29 स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा फोर अपॉन में कितना हो गया 29 हो गया। फिर वाई का कोफिशिएंट कितना है, थ्री बाई रूट 29 इसका भी हम क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 9 अपॉन में कितना होगा 29 हो गया। फिर इसका भी क्या करेंगे स्क्वेयर करेंगे तो कितना होगा 16 अपॉन में कितना हो गया 29 हो गया, है ना। ऊपर भी क्या 29, नीचे भी क्या 29, तो इसका जो मॉडुलस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है, ये हमने प्रूव कर दिया। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ एक्स के लॉन्ग कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के लॉन्ग कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में जेड के लॉन्ग कोफिशिएंट का स्क्वायर, इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। तो हमने यहां पर कर दिया कि जो आपका यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, इजंट। अब हम बात करें डायरेक्शन के बारे में। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायरेक्शन, है ना। देखिए वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत महत्व होता है, तो डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। समझ लीजिए आप सब जानते हैं ये क्या होता है नॉर्थ होता है और ये क्या होता है साउथ होता है, ये आपका क्या होगा ईस्ट होगा और ये आपका क्या होगा वेस्ट होगा, है ना। ऐसा होगा नॉर्थ हो गया साउथ हो गया ईस्ट हो गया और साथ में क्या होगा वेस्ट हो गया, इजंट। ये चार डायरेक्शन होगी। अच्छा बताइए ये कौन सा डायरेक्शन है, मान लीजिए ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे। हाँ जी बताइए क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यहाँ भी एंगल कितना 45, यहाँ भी एंगल कितना होगा 45 होगा, तो ये जो डायरेक्शन है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, ऐसा बोलते हैं। तो ये डायरेक्शन क्या होगा साउथ ईस्ट, ये डायरेक्शन क्या होगा साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, ये डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, है ना। तो ध्यान रखिएगा 45 है, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45 होगा, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है तो क्या कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ के बीच में तो क्या कहलाएगा साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ, वेस्ट साउथ के बीच में तो क्या कहलाएगा वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में तो क्या कहलाएगा वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट, है ना, ऐसे ही कहलाते हैं। अच्छा बताइए मान लीजिए ये वाला एंगल जो मैंने लिया, ये मैंने 45 डिग्री लिया, मान लो ये 45 डिग्री ना होगी कुछ और होगा तो क्या होगा। मेरे कहने का अर्थ है जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका क्या वेस्ट है, है ना। मान लीजिए कोई वेक्टर है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। हाँ जी बताइए क्या डायरेक्शन होगा, एंगल किसके साथ है, एंगल आपका ईस्ट के साथ है और किसके बीच में है नॉर्थ ईस्ट के बीच में है, तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। ये जो वेक्टर है वो नॉर्थ ईस्ट के बीच में है
इजंट, और एंगल किसके साथ है, ईस्ट के साथ है, तो क्या बोलेंगे 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, राइट। अच्छा मान लीजिए मैंने ये वेक्टर ड्रॉ किया, ये वाला एंगल मैंने कितना ले लिया, मैंने ले लिया 60, चलो 60 मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, कोई आपसे पूछे बताइए इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, पहली बात तो ये कहाँ पर है, साउथ और वेस्ट के बीच में है, और एंगल बना साउथ के साथ, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे 60 डिग्री, बताइए बताइए 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, क्या बोलेंगे 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो एंगल जो बनेगा वो साउथ के साथ बनेगा, तो जो बात में आता है ना उसके साथ बेसिकली एंगल बनता है, तो कितना होगा 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। सर चलो एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, ये एंगल को मैंने मान लिया 40 डिग्री, हाँ जी बताइए क्या डायरेक्शन होगा इस वेक्टर का, डायरेक्शन क्या है, पहली बात तो ये है कहाँ पर, ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में है, और एंगल बना नॉर्थ के साथ, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, क्या कहलाएगा 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये जो वेक्टर है वो क्या कहलाएगा 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, बिकॉज देखिए ये जो वेक्टर है वो वेस्ट और सॉरी वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है, और एंगल बना नॉर्थ के साथ, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका 40 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना, ऐसा को डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। अच्छा बताइए ये डायरेक्शन क्या होगा, हाँ जी बताइए क्या डायरेक्शन होगा, कहाँ पर है, साउथ और ईस्ट के बीच में है, एंगल बना है ईस्ट के साथ, तो क्या कहलाएगा 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ना 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, जो एंगल बना ईस्ट के साथ बना, तो ईस्ट बाद में आएगा, तो ये आपका कहलाएगा 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, राइट। तो ध्यान रखिएगा ये डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत महत्व है, ये आपका नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये आपका ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, अगर एग्जैक्टली 45 डिग्री है, मतलब क्या है वो नॉर्थ ईस्ट के एग्जैक्टली बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ बीच में है तो साउथ ईस्ट होगा, यहाँ बीच में साउथ वेस्ट होगा, और यहाँ बीच में तो क्या होगा नॉर्थ वेस्ट होगा। पर मान लीजिए ये ऐसा एंगल 15 डिग्री है, तो एंगल है किसके साथ, ईस्ट के साथ, किसके बीच में है, साउथ ईस्ट के बीच में है, तो क्या कहलाएगा 15 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, है ना, ऐसा बेसिकली क्या निकालते हैं, डायरेक्शन निकालते हैं, तो आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, जब आपको डायरेक्शन निकालना आएगा तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो हमने अभी तक क्या स्टडी किया, हमने पहले स्टडी किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर की कंपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप मुझे बताइए मान लीजिए दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मैंने कौन सा लिया, मान लीजिए एक वेक्टर मैंने ये ले लिया, दिस इज वेक्टर ए, और ये वाला एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया। दूसरा वेक्टर मान लीजिए मैंने ये ले लिया, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर बी, और ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना है 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री, हाँ जी बताइए वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल कितना होगा, कैसे निकालेंगे, पहले हम क्या मिलाएंगे टेल से टेल, क्या मिलाएंगे टेल से टेल मिलाएंगे, है ना। तो ये वेक्टर बी है, तो मैंने वेक्टर बी को इसके पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये वेक्टर बी को मैंने इसके पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, इसके पैरेलल होना चाहिए, ये मैंने वेक्टर बी को इसके पैरेलल क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ये कितना है 45, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, है ना, ये यदि आपको 45 था तो ये भी कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा, और ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा। ये पूरा एंगल आपका 90 है, ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, ये कितना 30, ये कितना 45, तो 30 + 45 कितना होगा 75 डिग्री, है ना। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी में एंगल कितना होगा 75 डिग्री। ध्यान रखिएगा एंगल कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे टेल से टेल मिलाएंगे, क्या करेंगे ताल से ताल मिलाएंगे, बोले हमने इस वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट किया, टेल से टेल मिला, ये वेक्टर ए का टेल है, ये वेक्टर बी का टेल है, तो इनके बीच में जो एंगल है कितना होगा 30 + 45 कितना होगा 75 डिग्री होगा। सो दिस वुड बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी वेक्टर को हम उसके पैरेलल शिफ्ट करें तो वेक्टर के नेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके चलता हूँ पोजिशन वेक्टर का, पोजिशन वेक्टर का हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक क्यूब है, तो ये क्या होगा, दिस इज द क्यूब, ये क्यूब हो गया, है ना, ये आपका क्यूब हो गया, इस क्यूब का जो हर एक साइड है मान लीजिए 1 है, तो ये आपका ओरिजिन है,
ये एक्स भी कितना होगा, जीरो होगा, वाई भी कितना होगा, जीरो होगा, जेड भी कितना होगा, जीरो होगा, तो एक्स कितना हो गया, जीरो हो गया, वाई भी कितना हो गया, जीरो हो गया, और जेड भी कितना हो गया, जीरो हो गया, तो आपका ओरिजिन बताइए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्यूब का आरेख सर क्या माना जाएगा, ठीक तो बताइए मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब मुझे ओरिजिन से यहाँ जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वन तो चलना पड़ेगा, एक्स के लोंग वन चलना पड़ेगा, वाई के लोंग है ना, और जेड के लोंग, जेड के लोंग नहीं चलना पड़ेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, वन वन कितना होगा, जीरो है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वन चले एक्स के लोंग तो कितना होगा, आई कैप हो गया, वन चले वाई के लोंग तो कितना हो गया, प्लस वन जे कैप हो गया, और जे के लोंग तो चले ही नहीं तो कितना होगा, जीरो के कैप हो गया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर वो कितना हो गया, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में कितना होगा, जीरो के कैप हो गया ना। अच्छा मान लीजिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट, हाँ जी बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो क्या करेंगे, हम चलेंगे वन एक्स के लोंग, वन चलेंगे वाई के लोंग, और वन चलेंगे जेड के लोंग, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, वन वन वन। ओरिजिन से अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो मुझे वन चलना पड़ेगा एक्स के लोंग, वन चलेंगे वाई के लोंग, और वन चलेंगे जेड के लोंग, तो बताइए इसका पोजिशन वेक्टर क्या आएगा, यह आपका आएगा वन आई कैप प्लस में क्या हो गया, वन जे कैप हो गया, प्लस में क्या होगा, वन के कैप हो गया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर वो कितना हो गया, वन आई कैप प्लस वन जे कैप प्लस वन के कैप। अच्छा बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, पहले हम रूट करेंगे तो रूट हो गया, एक्स के लोंग कोफिशियंट कितना है, वन है, तो कितना आएगा, वन का स्क्वेयर, वाई के लोंग कोफिशियंट भी कितना है, वन है, तो भी क्या आएगा, वन का स्क्वेयर, जेड के लोंग कोफिशियंट कितना है, जीरो, तो कितना आएगा, जीरो का स्क्वेयर, तो कितना होगा, रूट टू है ना। तो ये जो वेक्टर है जो इसको ओरिजिन को इससे मिलाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट टू है, कितना है, रूट टू है ना। अच्छा बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कैसे निकालेंगे, हम रूट करेंगे, एक्स के लोंग कोफिशियंट क्या बने तो वन का स्क्वेयर कितना आएगा, वन आएगा, वाई के लोंग कोफिशियंट कितना बने तो वन का स्क्वेयर कितना आएगा, वन आएगा, जेड के लोंग कोफिशियंट कितना बने तो वन का स्क्वेयर कितना आएगा, वन आएगा, तो ये कितना होगा, रूट थ्री है ना। तो इस पॉइंट का जो पोजिशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन है ना, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड आएगा आपका रूट थ्री, कितना आएगा, रूट थ्री। अच्छा ये बताइए इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा है ना, जैसे मान लीजिए इस वेक्टर को मैंने ए मान लिया, तो ये तो वेक्टर ही है, तो ये क्या है, ये वेक्टर ए का मॉडुलस है, तो यूनिट वेक्टर कितना आएगा, यूनिट वेक्टर आपका आता है वेक्टर अपॉन में क्या, वेक्टर का मॉडुलस, ऐसा ही होता है, तो वेक्टर तो कितना है, वेक्टर का वैल्यू होगा आपका आई कैप प्लस में कितना हो गया, जे कैप प्लस में क्या हो गया, के कैप हो गया, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट थ्री हो गया है ना। तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली क्या निकलेगा, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का वैल्यू कितना हो गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ओपन में कितना होगा, रूट थ्री, राइट। आई होप अब आपको पोजिशन वेक्टर के बारे में क्लियर होगा, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आ गया होगा और यूनिट वेक्टर भी आपको निकालना आ गया होगा, रिजल्ट। अब हम बात करेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में है ना, क्या बात करेंगे, वेक्टर एडिशन के बारे में, ध्यान रखिएगा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर को डिवाइड सॉरी वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और हम उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट क्या डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, वेक्टर डिवीजन फिजिबल नहीं होता, क्यों, अरे हम डायरेक्शन को डिवाइड कैसे करेंगे, जैसे मैंने बोला ईस्ट अपॉन वेस्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ, ईस्ट अपॉन वेस्ट का कोई मीनिंग नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा वेक्टर डिवीजन फिजिबल नहीं होता, वेक्टर एडिशन फिजिबल है, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन फिजिबल है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन फिजिबल है, बट वेक्टर डिवीजन कभी फिजिबल नहीं होता। अब हम वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे, उसके एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया ट्रायंगल लॉ ऑफ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर तो ये वाला है, इजंट, और मान लीजिए दूसरा वेक्टर हमारे पास कौन सा गिवन है, मान लीजिए दूसरा वेक्टर में ये दे दिया, ऐसा मान लेते हैं दो वेक्टर में गिवन है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इजंट,
हाँ जी बताइए, इनके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे, क्या करेंगे, टेल से टेल मिलाएंगे। ये वेक्टर बी का टेल है, ये वेक्टर ए का टेल है, मैंने वेक्टर ए को उसके पहले शिफ्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शिफ्ट कर दिया है ना। अब ये वेक्टर बी का टेल है, ये वेक्टर ए का टेल है, तो इनके बीच में ये वाला क्या होगा, दिस वुड बी एंगल बिटवीन वेक्टर सी एंड वेक्टर बी। तो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या होगा, एंगल होगा, अब राइट। अच्छा ये वाला वेक्टर क्या है आपका, ए है, क्या है, ए है, और ये क्या है, वेक्टर बी है। अगर मैंने इस वेक्टर ए को इसके पैरेलल शिफ्ट किया, अगर मैंने वेक्टर ए को इसके पैरेलल शिफ्ट किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। हम जानते हैं हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये आपका क्या लगेगा, ये भी वेक्टर ए होगा, कौन सी बात है ना। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, है ना। ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा, थीटा होगा। तो थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, राइट। अच्छा ध्यान रखिएगा, ए और बी सेम ऑर्डर में है, किसमें है, सेम ऑर्डर में है। सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, देखिए इस मान लीजिए ये एक वेक्टर है, इसका नाम दिया मैंने वेक्टर ए, दूसरा ये वाला क्या होगा, ये होगा आपका वेक्टर बी। तो देखो वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड को टच करेगा, वेक्टर बी का जो टेल है वो क्या करेगा, वेक्टर ए के हेड को टच करेगा। तो वेक्टर ए वेक्टर बी किसमें, सेम ऑर्डर में है। ऐसा मान लीजिए ये वेक्टर और है, ये वाला आपका होगा वेक्टर सी, ये मान लीजिए क्या होगा, वेक्टर डी हो गया। तो यहाँ पर वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी वैक्टर डी सारे किसमें, सेम ऑर्डर में है ना। बी का टेल कर टच करेगा ए के हेड को, सी का टेल टच करेगा बी के हेड को, डी का टेल टच करेगा सी के हेड को। तो वैक्टर ए वैक्टर बी वैक्टर सी और वैक्टर डी सारे क्या, सेम ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी क्या है, ये देखिए वैक्टर ए का हेड है और वैक्टर बी सॉरी वैक्टर बी का हेड है और वैक्टर ए का टेल है, तो हम क्या बोलेंगे, बी और ए सेम ऑर्डर में है, किसमें है, सेम ऑर्डर में। अच्छा बताइए, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया, ये मैंने वेक्टर आर नाम दिया है ना, तो बताइए क्या वेक्टर डी और वेक्टर आर सेम ऑर्डर में है, नहीं। देखिए इसका भी क्या है, हेड आया, इसका भी क्या है, हेड आया, है ना। सेम ऑर्डर में कब होते हैं, जब आर का टेल डी के हेड को टच करता, तो यहाँ पर आर ओ डी सेम ऑर्डर में नहीं है, आर ओ डी इसमें अपोजिट ऑर्डर में है, किसमें है, अपोजिट ऑर्डर में है, रिवर्स ऑर्डर में, ध्यान रखिएगा, राइट। तो देखिए ये वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, दोनों के बीच में क्या होगा, थीटा हो गया, समझ। अगर मैं इसका मिटा दूँ तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तो समझाने के लिए था। आप कह रहे हैं ट्रायंगल, तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, इसको मैंने इससे मिलाया एंगल से, ये आपका जो है, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है, और इसको मैंने नाम दिया वेक्टर आर, क्या नाम दिया, वेक्टर आर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी किसमें है, सेम ऑर्डर में है, और आर किसमें है, आर तो रिवर्स ऑर्डर में है, देखो ना, ये ए का भी हेड है और आर का भी हेड है, तो आर और ए सेम ऑर्डर में नहीं है, आर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में है, इजंट। तो ट्रायंगल है क्या बोलता है, ट्रायंगल बोलता है कि मान लीजिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये वाला हो गया और एक वेक्टर क्या हो गया, ये वाला हो गया, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, और दोनों किसमें, सेम ऑर्डर में है, किसमें है, सेम ऑर्डर में है। तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, क्या होता है, रिजल्टेंट। अच्छा रिजल्टेंट क्या होता है, देखो मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने कोई भी नाम दिया, कुछ भी नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने जेड नाम दिया, इस पॉइंट को मैंने वाई नाम दिया, इजंट। अब मुझे जेड से वाई पे जाना है, तो जेड से वाई पे जाने के दो रास्ते हैं, एक तो मैं सीधा चला जाऊँ, और एक मैं जेड से पहले यहाँ पर आऊँ और फिर यहाँ से यहाँ पर जाऊँ, है ना। मतलब दोनों का इफेक्ट तो सेम ही है ना, ये भी हमें कहाँ से कहाँ पहुँचाएगा, जेड से वाई भी पहुँचाएगा, और ये रास्ता भी हमें क्या पहुँचाएगा, जेड से कहाँ पहुँचाएगा, वाई भी पहुँचाएगा। मतलब जो इफेक्ट ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस करते हैं, वही इफेक्ट ये सिंगल प्रोड्यूस करता है ना। वेक्टर ए और वेक्टर बी जो मिलके जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जेड से वाई भी पहुँचाएंगे, वही इफेक्ट ये सिंगल आर प्रोड्यूस करेगा, ये भी क्या क्या करेगा, जेड से वाई भी पहुँचाएगा। तो ये जो आर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट है, राइट। समझ लो ये बोर्ड है, ठीक है, दो बच्चे हैं, पहले ने इस बॉडी फोर्स लगाया ऐसे परपेंडिकुलरली 4 न्यूटन, दूसरे कितना लगाया, दूसरा लगाया 3 न्यूटन, है ना। मतलब दोनों ने कहाँ लगाया, बोर्ड पे ऐसे फोर्स लगाया परपेंडिकुलरली, तो कितना फोर्स हो गया, 4 + 3 कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। अब एक तीसरा बंदा आया, उसने दोनों को हटाया और खुद ही 7 न्यूटन फोर्स लगाया,
तो जो तीसरा बंदा था उसने वही इफेक्ट प्रोड्यूस किया जो दोनों ने मिलके किया था, है ना। पहले वो दोनों मिलके एक साथ कितना लगाए थे, 4 + 3 = 7 न्यूटन। अब उस अकेले बंदे ने कितना लगाया, 7 न्यूटन। तो जो तीसरा बंदा है वो पहले दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट का अर्थ होता है, मतलब रिजल्टेंट का अर्थ होता है कि वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर मिलके प्रोड्यूस करते हैं, उसका वो होता है रिजल्टेंट, इजंट। तो ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा, हाँ, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या करेंगे, ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों किसमें, सेम ऑर्डर में है, किसमें है, सेम ऑर्डर में है। तो एक का जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। देखिए मैं बता रहा हूँ ट्रायंगल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर रिक्रेडेशन वेक्टर सम ऑफ वेक्टर वी एंड वेक्टर ए विच आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर इज द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल, इज द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। तो वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या रिजल्टेंट है। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे वेक्टर आर जो है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा हम उसको लिखेंगे। अब हमें आर का वैल्यू निकालना है, क्या करना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ऑफकोर्स ये एंगल कितना होगा, 90 हो गया, इज्जत। इसको मैंने जेड नाम दिया, इसको वाई नाम दे दिया, इसको एक्स नाम दे दिया, दिक्कत है, एक्स हो गया, है ना। अब हमें तो आर का वैल्यू निकालना है, इज्जत। और ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने नाम दिया अल्फा, क्या नाम दिया अल्फा, ये अल्फा में क्या देगा, अल्फा में डायरेक्शन देगा, क्या देगा, डायरेक्शन देगा, किसका डायरेक्शन देगा, आर का डायरेक्शन देगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी, है ना। अल्फा जो होता है वो हमें क्या करता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर बी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अल्फा जो है दैट इज फॉर डायरेक्शन, राइट। अब क्या हमें वेक्टर आर निकालना है, कितने ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है, दो भी छोटा ट्रायंगल है और एक बड़ा ट्रायंगल है, इजंट। तो मैं तो आर निकालना है, तो आर कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका बेस हो गया, है ना, ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेन्यूज होगा, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आएगा आर स्क्वायर, है ना। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ये पूरा कितना हो गया, ये आपका हो गया जेड एक्स, ये कितना हो गया, जेड एक्स हो गया, और ये एक्स डब्ल्यू हो गया, तो कितना आएगा, ये आपका आएगा जेड एक्स प्लस एक्स डब्ल्यू पूरे का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर। और ये कितना है, जेड एक्स प्लस में क्या, एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर हो गया। और ये कितना है, वाई डब्ल्यू, तो प्लस में कितना होगा, वाई डब्ल्यू का क्या होगा, स्क्वायर हो गया। और यहाँ से जो स्क्वायर था मैंने यहाँ रूट लगा दिया, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, जेड एक्स प्लस में एक्स डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस में क्या आएगा, वाई डब्ल्यू का स्क्वायर। क्या मुझे जेड एक्स मालूम है, हाँ, जेड एक्स तो क्या वेक्टर बी इक्वल है, और एक्स डब्ल्यू मालूम नहीं है, वाई डब्ल्यू मालूम नहीं है, तो पहले एक्स डब्ल्यू निकालना पड़ेगा, वाई डब्ल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स डब्ल्यू वाई डब्ल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, छोटी ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, है ना। पहले निकालते हैं वाई डब्ल्यू, तो वाई डब्ल्यू अपॉन दस, वाई डब्ल्यू अपॉन दस, ये क्या है, ये वेक्टर ही है, पता ही, वाई डब्ल्यू अपॉन ए कितना हुआ, वाई डब्ल्यू अपॉन ए कितना आएगा, वाई डब्ल्यू अपॉन ए कितना आएगा, साइन थीटा। तो वाई डब्ल्यू अपॉन ए कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, तो वाई डब्ल्यू कितना आएगा, वाई डब्ल्यू आपका आएगा ए साइन थीटा, आ गया। सिमिलरली छोटी जो ट्रैंगल, छोटी वाली ट्रैंगल भी क्या निकालेंगे, एक्स डब्ल्यू, तो कितना आएगा, एक्स डब्ल्यू अपॉन ए, थोड़ी कितना आएगा, एक्स डब्ल्यू अपॉन ए आएगा कोस थीटा। तो एक्स डब्ल्यू कितना हो गया, एक्स डब्ल्यू का वैल्यू हो गया आपका ए कोस थीटा, है ना। वाई डब्ल्यू कितना हो गया, ए साइन थीटा हो गया, एक्स डब्ल्यू कितना हो गया, ए कोस थीटा हो गया, बस ए बूट आ गया, बूट कर दो, यहाँ से कर लो। तो आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू हो गया रूट ऑफ जेड एक्स, मेरा कितना है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी का मॉडल क्या आएगा, बी आएगा, यहाँ का बी होगा, प्लस में क्या हो गया, एक्स डब्ल्यू कितना है, ए कोस थीटा, तो आपका आएगा ए कोस थीटा का स्क्वायर आएगा, प्लस में क्या है, वाई डब्ल्यू, वाई डब्ल्यू का ए साइन थीटा, तो ये कितना आएगा, ए साइन थीटा का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ए साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, है ना। बस उसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं, ये आपका आर है, दिस इज आर, ये आपका आर है, ध्यान रखिएगा, रूट ऑफ
एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बी स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, प्लस में कितना आएगा, प्लस में आपका आएगा टू ए बी कोस थीटा, है ना, और प्लस में कितना आएगा, प्लस में आएगा आपका ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, है ना, ये पूरा आएगा। इनको ले लो, ए स्क्वेयर को निकालेंगे तो अंदर कितना आएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस में कोसाइन स्क्वेयर थीटा कितना होता है, वन होता है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का वैल्यू होगा रूट ऑफ, यह आएगा आपका ए का स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा बी का स्क्वेयर प्लस में कितना आएगा टू ए बी साइन थीटा। तो ध्यान रखिएगा जो रिजल्टेंट आर है उसका वैल्यू कितना हो गया रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी साइन थीटा। दिस वुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वैक्टर्स, तो वैक्टर ए और वैक्टर बी के बीच में कितना थीटा है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी कोस थीटा। तो ऐसे में रिजल्टेंट का वैल्यू निकाल लेंगे, इजंट। दूसरा हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, क्या डायरेक्शन अल्फा निकालना है, तो हम निकालेंगे टेंजेंट अल्फा। हाँ जी बताइए टेन अल्फा कितना होगा, टेंजेंट अल्फा बताइए कितना होगा, देखिए क्या क्या अल्फा है, तो सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये वाला क्या होगा बेस होगा, परपेंडिकुलर वाई डब्ल्यू है, तो वाई डब्ल्यू कितना था, परपेंडिकुलर हो गया आपका कितना होगा वाई डब्ल्यू हो गया, और ये होगा बेस होगा तो कितना हो गया, ये हो गया जेड एक्स प्लस में क्या हो गया एक्स डब्ल्यू हो गया। हाँ जी बताइए वाई डब्ल्यू कितना था, वाई डब्ल्यू का वैल्यू था आपका ए साइन थीटा, तो वाई डब्ल्यू का वैल्यू कितना था आपका ए साइन थीटा, है ना। जेड एक्स का वैल्यू कितना है बी, तो कितना होगा बी हो गया, एक्स डब्ल्यू कितना हो गया, एक्स डब्ल्यू आपका हो गया ए कोस थीटा। तो ध्यान रखिएगा टेंजेंट अल्फा कितना हो गया ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। कीप इन माइंड दैट अल्फा एंगल जो है वो वेक्टर बी के साथ है, अल्फा एंगल जो हो गया वेक्टर बी के साथ। तो ध्यान रखिएगा रिजल्टेंट कितना हो गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कोस थीटा, और डायरेक्शन टेन अल्फा कितना हो गया ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे रिजल्टेंट आर निकालेंगे और टेंजेंट अल्फा क्या निकालेंगे डायरेक्शन निकालेंगे, है ना। तो क्या हो गया द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विच आर रिप्रेजेंटिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल एक्टिंग इन द सेम ऑर्डर इज द थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल विच इज एक्टिंग इन द रिवर्स ऑर्डर। इसको बोलते हैं ट्रायंगल अवेक्टेशन, क्या बोलते हैं ट्रायंगल अवेक्टेशन। बहुत सिंपल कुछ भी नहीं है, पहले आपको छोटी ट्रायंगल में साइन थीटा कोसाइन थीटा निकालना है और बड़े ट्रायंगल में क्या यूज करना है पाइथागोरस थ्योरम। तो रिजल्टेंट आर का वैल्यू कितना आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी कोस थीटा, और डायरेक्शन टेन अल्फा कितना आएगा टेन अल्फा आएगा आपका ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कोस थीटा, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसके बारे में मोर डिटेल में स्टडी करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे और देखेंगे कैसा आपका वेक्टर ऐड होगा और कैसा वेक्टर आपका सबट्रैक्ट होगा। फॉर द टाइम बीइंग हैव अ नाइस। किस मिनट का हो गया, चीटी चीटी चढ़ी पहाड़ पे, चीटी चीटी चढ़ी पहाड़ पे।